स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो है सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज की, और ये वैकेंसी थोड़ा सा डालने में मुझे लेट हो गया है। इसका जो लास्ट डेट होगा वो 15 तारीख का है, तो अभी भी वक्त है, एक हफ्ते का समय है, आप उसको अभी भी भर सकते हैं। उसका जो आवेदन फॉर्म है या जो भी चीज़ है डिटेल्स, वो इस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसका जो डिटेल्स है और जो फॉर्म है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारा चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक होगा जहाँ से आप जो आवेदन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ कैसे भेजना है, किस ईमेल आईडी पे भेजना है या पते पे भेजना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में है, तो इसको लास्ट तक देखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले ये वॉक इन इंटरव्यू के लिए दिया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें दो पोस्ट है। पहला है आपका अतिथि सहायक प्राध्यापक, जिसको इंग्लिश में हम लोग गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। इसके लिए आपका सिविल ब्रांच के लिए असैनिक, यांत्रिक यानी मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए है, ठीक है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल के लिए, यानी जो चार कोर ब्रांचेस हैं वो चारों ब्रांचेस के लिए यहाँ पे पोस्ट खाली है। मैथ्स के लिए है, बायोलॉजी के लिए है, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, इन सब के लिए आपका गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। और जो शैक्षणिक योग्यता है वो एआईसीटी के नियम के अनुसार है, वो और भी आप देख सकते हैं। नॉर्म्स जो है उसका मानदेय आप लोग जानते हैं, 1500 रुपये पर क्लास मिलता है, मैक्सिमम आपको 45,000 तक मिल सकता है, ठीक है। अब अतिथि प्रयोगशाला सहायक या अनुदेशक, जिसको हम लोग गेस्ट लैब असिस्टेंट या इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे असैनिक अभियंत्रण है, मतलब कि सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके लिए बीटेक जो होता है वो कम से कम आपके पास होना चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए। और गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमटेक मिनिमम है, उसके ऊपर जितना जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए इंटरव्यू होगा और ये आपको मतलब सिलेक्शन में काम देगा। अब इसमें क्या है कि ये डाटा दिया हुआ है कि जो भी लोग हैं जो इसमें जाना चाहते हैं वो क्या करें कि उनका जितना भी प्रमाण पत्र है उसको खुद से सेल्फ एटेस्टेड करके, मतलब कि जो जेरोक्स है उसको सेल्फ एटेस्ट करके उसका एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे। मतलब कि आपको क्या क्या चाहिए पहले मैं बता देता हूँ। आपको चाहिए जितना भी आपका मार्कशीट है 10th से लेके बीटेक एमटेक तक, उसका जितना सर्टिफिकेट्स है वो सारा चाहिए। अगर आपको किसी काम का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस, उस सबका जेरोक्स लेना है, सब पे सेल्फ अटेस्टेड करना, उसका एक पीडीएफ फाइल बनानी, एक पीडीएफ फाइल के अंदर सारा कुछ मौजूद होना चाहिए। और उसको यहाँ पे जो ऑफिस का ईमेल आईडी है office.gecsiwan@gmail.com पे आपको 15 कार्य दिवस लिखा गया है के अंदर आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विज्ञापन तिथि, देखिए विज्ञापन, अब यहाँ पे विज्ञापन तिथि नहीं दी हुई है तो विज्ञापन तिथि मैं बता देता हूँ। विज्ञापन तिथि, ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे देखिए 1 सितंबर 2022 का है, बिहार सरकार का जो वेबसाइट है वहां पे ये पब्लिकेशन होता है, जो अखबार में जो भी छपता है, ठीक है। तो ये 1 सितंबर का यानी 15 दिन के अंदर, यानी 15 सितंबर तक आप ईमेल पे उसको भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो चीज मैंने बताया कि अब ये सारा चीज जितना चीज आप भेजेंगे तो ये जो साक्षात्कार है जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं समय, आपको जितना भी चीज भेज रहा है यानी मूल अंक पत्र यानी कि मार्कशीट हो गया या जो भी शैक्षणिक या अनुभव से संबंधित मार्क प्रमाण पत्र है, उस सबको लाना है आपको, जेरोक्स भी, ओरिजिनल भी, ठीक है। और दूसरा है कि ये जो जो आपको ये जो बहाली हो रही है टेम्प्रोरी है, ठीक है, जो आपको बिना भी कोई नोटिस दिए आपको हटाया जा सकता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। इसके लिए आप ये सरकार पे दबाव नहीं बना सकते कि हमको रेगुलर किया जाए, ठीक है, इसका आप दबाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका काम अच्छा लगेगा तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो अभी आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता यानी TA DA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी है AICT UGC द्वारा मान्य प्राप्त संस्थानों के सरकारी विभाग लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि आप में से अगर किसी के पास कुछ एक्सपीरियंस है या मान लीजिए कोई रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अगर वैसे लोग भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पहले उनको मौका दिया जाएगा, फिर बाद में फ्रेशर को मौका दिया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि फ्रेशर फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म भरना है, सबको भरना है, जरूरी नहीं कि वहां पर उतने लोग पहुंच जाएंगे। बाकी और भी अगर कोई जानकारी है तो आप यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ gecsiwan.org, उस पर आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भरना है आपको, वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इसके वेबसाइट पे, यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र एवं साक्षात्कार की तिथि संस्थान के वेबसाइट पे उपलब्ध है, यानी कि 15 दिन के भीतर आपको फॉर्म भरना है। इंटरव्यू का डेट अभी आपको नहीं मिला है, इंटरव्यू का डेट जानने के लिए आपको इसका वेबसाइट विजिट करना है। और जो आवेदन पत्र है वो आवेदन पत्र का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फॉर्म भर के सारा कुछ आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सिवान इंजीनियरिंग कॉलेज का ये आपका वैकेंसी है सारे पोस्ट के लिए, इंजीनियरिंग में जितने भी ब्रांच है, कोर ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस,
सारे के लिए, प्लस इसमें मैथ्स के लिए भी है, बायोलॉजी के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी है, और ये सारा चीज आपको लैब असिस्टेंट के लिए भी है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया है, डेट ऑफ पब्लिकेशन भी बता दिया है। तो इसी तरीके से जो भी बिहार सरकार में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपके पास वैकेंसी आएगी वो मैं अपडेट जरूर करूंगा, ठीक है? तो इसको देखेंगे और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।